असलकम आप सब कैसे हैं मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इस सेशन में हम बात करेंगे चाइनीज़ की काउंटिंग के बारे में काउंटिंग यानी शूज़ चाइनीज़ में काउंटिंग इस सेशन में हम सीखेंगे क्योंकि अगर आपको काउंटिंग आती होगी तो आप किसी को टाइम बता सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं और चीज़ों को गिन सकते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी कार साबित होगी चलिए सीखते हैं चाइनीज में एक को कहते हैं ई ई, दो को कहते हैं आर आर तीन को कहते हैं सान सान चार को कहते हैं स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी चाइनीज पर्सन को किसी चीनी बाशिंदे को कोई चीज तोहफे में देते हैं तो उसकी तादाद चार ना हो क्योंकि वो अच्छा नहीं समझते चलिए आगे चलते हैं पांच को कहते हैं वू वू को कहते हैं ले सात को कहते हैं छी छी आठ को कहते हैं पा पा नौ को कहते हैं च्यो च्यो दस को कहते हैं शिर शिर अब हम एक से सौ तक काउंटिंग बनाएंगे और उसमें हम एक दफ़ा भी सिफ़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन मैंने तो आपको बताया नहीं कि चाइनीज़ में ज़ीरो को क्या कहते हैं चाइनीज़ में ज़ीरो को कहते हैं लेंग लेंग अब हम बात करते हैं ग्यारह चाइनीज में ग्यारह कैसे लिखेंगे दस जमा एक बराबर है ग्यारह तो पहले हम लेंगे दस का साइन शेर फिर लेंगे एक का साइन ई शेर ई ग्यारह शेर आर बारह शेर सान तेरह अब आप मुझे बताएं बीस ट्वेंटी को चाइनीज में कैसे कहेंगे बीस यानी दो दफा दस तो पहले हम साइन लेंगे दो का आर फिर हम साइन लेंगे दस का शेर आर शेर यानी क्या बीस इसी तरह तीस सान शेर चालीस स शेर पचास वू शेर साठ ल्यू शेर शिर अस्सी पाशिर नब्बे चो शेर नाइन्टी नाइन कैसे कहेंगे नाइन्टी नाइन च्यो शेर च्यो च्यो शेर च्यो नाइन्टी नाइन और चाइनीज में सौ को कहते हैं पाए पाए लेकिन हमेशा याद रखिएगा चाइनीज़ में ई e पाए यानी 100 या 100 हंड्रेड ई पाए एक जब भी आप किसी चाइनीज़ को कोई गिफ्ट दें तो उसकी तादाद छः या आठ होनी चाहिए या कह सकते हैं कि चाइना के लोगों को छः का हिंसा और आठ का हिंसा बहुत पसंद है इसके अलावा आज हम बात करेंगे चाइनीज़ की काउंटिंग के ताशिएस के बारे में ताशिए यानी आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं के स्मॉल्स में और कैपिटल्स में क्योंकि जब आप चाइनीज़ करेंसी देखते हैं अगर आपने चाइन चाइनीज़ करेंसी में एक का नोट यानी एक युआन युआन जो उनकी करेंसी का नाम है देखा है तो उस पर जो हमने आज काउंटिंग सीखी है उसका सिंबल नज़र नहीं आएगा यानी एक का सिंबल उसकी जगह आपको कोई दूसरा सिंबल नज़र आएगा दो की जगह भी ऐसे ही है तीन चार पाँच इसकी क्या वजह है इसकी वजह यह है जो हम रोज़मर्रा जिंदगी में काउंटिंग करते हैं या उसके साइंस इस्तेमाल करते हैं उनको चेंज किया जा सकता है जैसे एक को दो में तब्दील किया जा सकता है दो को तीन में चेंज किया जा सकता है तीन को पाँच में चेंज किया जा सकता है इसकी वजह क्या है इसकी जो वजह मेरी टीचर ने मुझे बताई मैं आपको बताती हूँ जैसा कि आप जानते हैं चाइना की तारीख बहुत पुरानी है और जैसे हमारे मुल्क के बर सख़ीर पाकों हिंद में बादशाह गुजरे हैं मुग़ल बादशाह या ख़ानदान ग़ल वगैरह वगैरह इसी तरह चाइना में भी बादशाहों के कुछ अदवार गुजरे हैं तो अगर फ़र्ज़ करें एक बादशाह जब मरने लगा तो उसने वसीयत की कि बड़े बेटे को बादशाह बनाया जाए लेकिन हो सकता था उसका दूसरा बेटा या तीसरा बेटा बादशाह बनना चाहता हो तो उसने वसीयत में तब्दीली कर दी एक की जगह दो कर दिया या दो की जगह तीन कर दिया तो उस वक्त उन्होंने एक तरीक़ा ऐसा अपनाया कि जो रोज़मर जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है काउंटिंग के सिम्बल्स वो वही रहे, लेकिन जब कोई बाकायदा तौर पर कुछ लेन देन हो रहा हो या आपकी करेंसी जो चाइनीज़ करेंसी है उसके ऊपर जो सिम्बल्स मौजूद हैं वो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली काउंटिंग से थोड़े मुख्तलिफ़ हैं तो परेशान ना होइएगा। इसके अलावा चाइनीज़ काउंटिंग के कुछ सिम्बल्स भी होते हैं जैसे चाइनीज़ में एक को कहते हैं ई आर शान स ले ओ, छी पा चो शेर मुझे उम्मीद है कि आपको चाइनीज़ की काउंटिंग आ गई होगी जाइए और प्रैक्टिस कीजिए चलें मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप किसी चाइनीज़ फ्रेंड से चैट कर रहे हों और आपको लिखा हुआ नज़र आए एटी 88 को कैसे कहेंगे पा शेर पा तो आप ये ना समझिएगा कि वो आपको कोई नंबर बता रही है या बता रहा है पा पा यानी इसका मतलब है बाय बाय चाइनीज़ लोग जो हैं अक्सर 88 को बाय बाय की जगह भी इस्तेमाल करते हैं पाए पाए अल्लाह हाफिज़ अपना ध्यान रखिएगा